हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फिर हम आगे इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व भी करेंगे आज और इससे हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं सबसे पहले तो हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा इन अ टेबल विच डिस्प्लेस द कैटागरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैगनीट्यूड एंड फ्रीकुंसी सच डेट द सिमिलर और आइडेंटिकल नोमिकल वैल्यूज आर ग्रूप टूगेदर फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है वो ए कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा होती है एक टेबल के अंदर कंपैक्ट फॉम होता है कि उसमें हर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास नीटली अरेंजड होती है जो हमें क्या शो करती है विच डिस्प्लेज द कैटागरीज ऑफ ऑब्ज़र्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन के ग्रुप्स बने होते हैं जिसके अंदर वो किस के लिहाज से बने होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बने के लिहाज से बने, बने, बने होते हैं उनकी फ्रीकुनसीज़ के लिहाज से बने होते हैं मैग्नीट्यूड उनके साइज़ के लिहाज से बने होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के लिहाज से बने होते हैं सच टैट इस तरह से क्या होता है कि जो सिमिलर और आइडेंटिकल नोमरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो सेम वैल्यूज़ होती हैं जैसी होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं ग्रूप्ड हो जाती हैं आपस में तो इस तरह से हमारे पास जो है एक कम्पैक्ट फॉर्म जो है डाटा की हम लोगों को हासिल हो जाती है अब इसके अंदर एक टर्म यूज होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉलोइंग पार्टिकुलर कैटेगरी यानी कि वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि एक पार्टिकलर कैटेगरी में यानी ग्रुप के अंदर जो है फॉल कर रही हैं एग्जिस्ट कर रही हैं वो हमारे पास से कहलाती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसको डिनोट किसे करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय एफ़ और इसको स्मॉल एफ़ के साथ क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है स्टूडेंट ये हमारी एग्जाम्पल अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे अभी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स मैट एट द टाइम ऑफ रिजिटेशन इज गिवन बाय ये हम लोगों को जो है थर्टी स्टूडेंट्स की हाइट दी गई हुई है ठीक है अब हम लोगों ने इसके बारे में जो है सूटेबल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है तो अब हम लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे कि रेंज क्या होती है रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेरिएबल माइनस मिनिमम वेरिएबल अब हम लोग इस डाटा को जो है सबसे पहले तो आप अगर अरेंज करना चाहते हैं इसको आप जो है पहले अरेंज कर लें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लें और उसके बाद जो है आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास वन टेल्व और मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास एटी सेवन तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है वन ट्वेल्व तो हम यहाँ लिख लेंगे वन ट्वेल्व माइनस और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है एटी सेवन हमने लिख ली एटी सेवन और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ये हमारे पास रेंज फाइंड आउट हो गई अब अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ क्लासेस कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री लॉक एन अब इसमें जो स्मॉल एन है ना वो हमारे पास कहाँ से आएगा वो हम लोग को दिया हुआ है थर्टी स्टूडेंट्स तो जो थर्टी स्टूडेंट्स हैं अगर हम इसको काउंट भी कर लें तो ये भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी तो ये भी हमारे पास एन ही होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री लॉक और एन की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे थर्टी और जब हम लोग इसको आप कैलकुलेटर से भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा फ़ाइव पॉइंट एट सेवन लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली जो है वो हम लोग सिक्स ले लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोगों के पास रेंज आ जाती है रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है सॉरी uh, विथ का फार्मूला होता है रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस तो अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट कर ली हुई है वो हमारे पास क्या है ट्वेंटी फाइव ठीक है और उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे और हम नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास क्या आ गई हैं सिक्स तो ये ट्वेंटी फाइव ओवर सिक्स जो है हम लोगों के पास आ गया अब हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा फोर पॉइंट वन सिक्स सेवन इज इक्वल टू हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे फाइव यानी हम लोग इसे एक नंबर बढ़ा ले लेंगे अब हम लोग आगे जो है अपना क्वेश्चन जो है फर्दर सोल्व करते हैं अब हम लोगों ने बनाया है टेबल फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें सबसे पहले तो क्लास लिमिट्स हैं क्लास बाउंड्रीज हैं एक्साई मिड पॉइंट्स हैं टैली है और फ्रीक्वेंसी एफ़ है हमारे पास अब हम लोग सबसे पहले तो क्लास क्लास लिमिट्स बनाएंगे क्लास लिमिट्स किस तरह बनती हैं क्लास लिमिट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अपने डाटा में से देखेंगे कि सबसे लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी एटी सेवन इसका मतलब है कि हम लोग का डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग एटी सिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं यानी हम लोग एक नंबर पीछे कर लेते हैं हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एटी सिक्स हमने लिख लिया अब हम लोग इसमें कितने वैल्यूज़ ऐड करेंगे जो हमारे पास विथ एज आया होगा वो हमने इसके अंदर ऐड करना है एटी सिक्स में फाइव प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नाइन्टी तो ये हमारे पास बन गई पहली क्लास लिमिट अगली क्लास लिमिट बनाने के लिए जो हम लोगों के पास लास्ट जो आई होती है ना हम पास जो अपर क्लास लिमिट आई होती है उसमें एक नंबर ऐड कर लेते हैं एक बढ़ा ले लेते हैं नाइन्टी वन हम ले लेंगे और उसमें फाइव प्लस करेंगे यानी विथ प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी नाइन्टी फाइव फिर हम लोग अगली क्लास क्लासमेट बनाने के लिए इसको 96 ले लेंगे और जब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 100 फिर हम लोग अगली बनाने के लिए 101 ले लेंगे इसमें 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 105 105 से फिर नंबर बढ़ा ले लेंगे 106 और इसमें अगर हम लोग फाइव वैलिस पुट करेंगे तो वन टेन ले लेंगे इसमें हम लोग फाइव पुट फाइव वैलिस प्लस करेंगे तो वन आ जाएगा ये हमारे पास बन गई क्लास लिमिट्स अब हम लोगों ने बनानी हैं क्लास बाउंड्रीज़ क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो हमारे पास 86 सिक्स जो लोवेस्ट क्लास लिमिट है ना हम लोग इसमें पॉइंट को माइनस कर देंगे पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें पॉइंट फाइव जो है वो ऐड कर लेंगे यानी हमारे पास क्लास बाउंड्री इस तरह बन जाएगी एटी से नाइन्टी इसी तरह अगली क्लास बाउंड्री कैसे बन जाएगी नाइन्टी पॉइंट फाइव से नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव इससे अगली कैसे हो जाएगी नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव से हंड्रेड पॉइंट फाइव उससे अगली कैसे हो जाएगी हंड्रेड पॉइंट फाइव से वन जीरो फाइव पॉइंट फाइव उससे अगली कैसे हो जाएगी वन ज़ीरो फाइव से फाइव पॉइंट फाइव और वन टेन पॉइंट फाइव 110.5 से 115.5 तो ये हमारे पास बन गई क्लास बाउंड्रीज अब हम लोग ने अगला स्टेप क्या करना है हम लोगों ने एक साइड मालूम करना है हम लोगों ने मिड पॉइंट्स जो हैं वो फ़ाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम अपर लोवेस्ट क्लास लिमिट पर प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट को और उसको टू पर डिवाइड कर देते हैं ठीक है ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मिड पॉइंट कैसे फाउंड आउट करते हैं लोवेस्ट क्लास लिमिट में प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट को यानी 86 प्लस 90 करेंगे और उसको टू से डिवाइड कर देंगे यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास वैल्यू आ जाती है एटी इससे अगली जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगी नाइन्टी थ्री उससे अगली जो है हमारे पास आ जाएगी नाइन्टी एट उससे अगली वन जीरो थ्री उससे अगली हमारे पास वन जीरो एट उससे अगली हमारे पास वन थ्री आ जाएगी अब हम लोगों ने टैली कैसे करना है अगला स्टेप हमारा टैली का टैली कैसे करेंगे हम लोग ने देखनी है क्लास लिमिट्स हमें 86 सिक्स से लेकर 90 तक जो है वो हम लोग को एक क्लास लिमिट बता दी गई है इस क्लास लिमिट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ फोल करेंगी ना वो हमारे पास टैली आ जाएगा कैसे आएगा हम लोग अपने डाटा में चेक करेंगे एटी से लेकर नाइन्टी तक जितनी भी वैल्यूज हमारे पास डाटा के अंदर डाटा से इसके अंदर एग्जिस्ट कर करेंगे जैसे अगर हम लोग देखते हैं एटी जो है एग्जिस्ट कर रहा वन वैल्यू हो गई टू थ्री फोर फाइव सिक्स uh, इसके अलावा आगे और कोई वैल्यू भी पास हमारे पास इस क्लास लिमिट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही यानी हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं सिक्स तो हम टैली में इसको कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर लाइन ऐसे फाइव लाइन ऐसे और वन ऐसे ये हमारे पास होगी टैली अगले हम आया नाइन्टी वन से नाइन्टी फाइव तक अब हम लोग नाइन्टी वन से नाइन्टी फाइव तक जो है वैल्यूज़ को देखेंगे कि कितनी एग्जिस्ट कर रही है हमारे डाटा से वन टू थ्री फोर 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 वैल्यूज जो है हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट है तो हम कैसे बना लेंगे वन टू थ्री फोर इसी तरह अगली हमारे पास क्या आ जाएंगी टेन वैल्यूज तो हमारे पास आ जाएंगी वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव उससे अगली हमारे पास आ जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव और वन उससे अगली आ जाएगी वन टू थ्री और उससे आ जाएगी वन अब हमारे पास ये तो टैली हो गया अब हमारे पास रह आ गया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम लोग को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास टेली आया होगा ना हम लोगों ने इनको नंबर्स को जो काउंट कर लेना वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आ गई हमारे पास फ्रीवेंसी अगली फोर अगर आगे टेन उससे अगली हमारे पास क्या जाएगी? आ जाएगी सिक्स उससे अगली हमारे पास आ जाएगी थ्री उससे अगली वन तो ये हमारे पास आ गई फ्रीकवेंसी इसका जब हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वो हम लोग जो है इसकी फाइंड स्टूडेंट्स इन सब को प्लस करके जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा थर्टी यानी इसका जो टोटल है हमारे पास वो आ जाएगा थर्टी स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों को पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल से जो सिक्स स्टूडेंट्स थे उनकी जो हाइट हम लोगों ने मालूम की थी यानी कि जो सिक्स स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट जो है वो 85.5 से 90.5 सेंटीमीटर के दरमियान है यहाँ पे उन लोगों लो, लो ने हम लोग कहा था कि सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट करनी है इंचिस में नहीं है ये सेंटीमीटर्स में है तो सिक्स स्टूडेंट्स की हाइट इसके इधर में आना है फोर स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो इसके दर में आना है टेन स्टूडेंट्स की इसके दरियान है सिक्स की इन स्टूडेंट्स के दर आना है थ्री की इन स्टूडेंट्स की और वन स्टूडेंट की के दरमियान जो है हाइट एग्जिस्ट कर रही है तो स्टूडेंट्स ये था हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करनी थी आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा अगर आपको इसमें से कोई स्टेप अच्छी तरह समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अब हम लोग जो है आगे इसका फर्दर जो है हम लोग मालूम कर लेंगे फर्दर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेंगे आगे स्टूडेंट्स अब आगे हम लोगों ने फर्दर फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है पहले तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की थी अब हम लोग रियलिटी फ्रीक्वेंसी भी आउट करेंगे कम्यूटी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करेंगे और कम्युनिटिव रियालिटी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगी ये सब फ्रीक्वेंसीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जैसे अब हम लोगों ने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया अब हमारे पास है रियलेटि फ्रीक्वेंसी रियलेटिविवि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है इट इज़ ऑप्टेंड बाय डिवाइडिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ये किस तरह से हासिल की जाती है जो भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल फ्रीक्वेंसी से कम्यूलिटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है इट इज बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग इंक्लूडिंग इंक्लूंगट क्लास इसमें हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास होती है उसमें हम लोग प्रीसीडिंग यानी पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐड करते हैं और जो आंसर आता है फिर उसमें हम लोग जो है पिछली जो है वो, जो है वो, जो है वो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते हैं कम्युलेट कम्यूटिव रिटिटिव फ्रीक्वेंसी की होती है इट इज़ अब्टेन बाई डिवाइडिंग कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से तो हमारे तो पास क्या 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 आती है कम्यूलेटिव रैलिटी फ्रीकेंसी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग हासिल करते हैं अब जिस तरह हम लोगों ने पुरानी जो एग्जाम्पल पहले की है उसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड आउट की थी वो वो क्लास बाउंड्रीज हैं फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो फ्रीक्विसी अब हम लोग इसमें रैलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे वो किस तरह फाइंड आउट की जाती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पास है six. Six आगे इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थर्टी थर्टी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या डायलेटिव फ्रीक्वेंसी अगली हम कैसे निकालेंगे फोर डिवाइडेड बाई थर्टी उससे आगे वाली टेन ओवर थर्टी उससे आगे वाली सिक्स ओवर थर्टी उससे आगे वाली थ्री ओवर थर्टी उससे आगे वाली वन ओवर थर्टी तो ये हमारे पास आ गई डायलेटि फ्रीक्वेंसीज अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो हम लिख लेंगे ऐसे पहली फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि आगे वाली हम इसका करेंगे कि सिक्स पिछली वाली आ गई उसमें ऐड कर लेंगे अगली फोर तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा टेन अब जो उससे आगे वाली है वो जो हमारे पास आंसर आया होगा टेन इधर लिखेंगे उसमें प्लस करेंगे ये वाली फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी उससे आगे वाली ट्वेंटी में सिक्स प्लस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ऐसे ही आया उसमें प्लस करेंगे थ्री ट्वेंटी नाइन उससे आगे हमारे पास आ जाएगी ट्वेंटी नाइन प्लस वन इज इक्वल्स टू थर्टी तो स्टूडेंट्स इसमें ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास कम्यूलेटिव का आंसर फाइनल आएगा वही हम लोगों के पास ऑब्जर्व फ्रीकवेंसी का टोटल होगा अब हम लोगों ने आगे फाइंड आउट करना है कम्यूलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मला क्या है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है सिक्स सिक्स को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से हम हमारे पास क्या है थर्टी उससे आगे हमारे पास है टेन टेन को डिवाइड करेंगे थर्टी पे उससे आगे हमारे पास है ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थर्टी उससे आगे ट्वेंटी सिक्स बाय बाई थर्टी उससे आगे ट्वेंटी नाइन बाय बाई थर्टी उससे आगे वाली थर्टी डिवाइडेड बाई थर्टी और हम लोग इसके आंसर्स भी जो है आउट कर लेंगे अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है ज़ीरो पॉइंट टू जीरो ज़ीरो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आता है ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं ज़ीरो पॉइंट डबल सिक्स सेवन इससे अगला हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट एट सिक्स सेवन उससे आगे आंसर क्या आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन सिक्स सेवन उससे आगे हमारे पास क्या आ रहा है वन पॉइंट जीरो 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 तो ये हम लोगों के पास हम लोगों ने फाइंड आउट की रेलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्यूलेटि रेलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं ये बहुत ही ईजी वे मैंने आपको समझाया है अगर आपको किसी जो स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा